हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं, आज आपकी जो प्रॉब्लम आई हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये प्रॉब्लम आपने बहुत भेज रखी है, उन पर सब पे आज चर्चा की जाएगी। और इसमें पहला जो प्रॉब्लम आई है आपकी, वो आपने लिखा है मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन की थ्योरी, मेंसुरेशन फर्स्ट पार्ट, मेंसुरेशन सेकेंड पार्ट, उसमें जाएँ आप। और आपको मेंसुरेशन की जैसे सारी आपको देखनी है, विजय कोचिंग की कितनी पड़ी हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको मेंसुरेशन का नाम डालें, उसमें खाली मेंसुरेशन की आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री की चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की आ जाएंगी। आप जिस चीज़ की चाहिए, यदि किसी क्लास की चाहिए तो उसकी आ जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में आप ज़रूर देखिएगा, मैं अभी लेटेस्ट जो पार्ट वन और पार्ट टू, उसमें मैंने पूरी थ्योरी की बात करी है। अब जरा विचार करिएगा, आपसे कह क्या रहा है, किसी घन की दो बराबर आयतन वाले घनाभों में काटा जाए। बात है, मान लो कोई घन है, दो घने, यदि उसको जोड़ा जाए तो उसमें कोई सी भी एक भुजा दूनी हो जाती है। मान लिया ये एक है लंबाई, चौड़ाई भी एक मान ली हमने, और ऊंचाई भी एक है, तो ये घन हो गया। और ये भी एक 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 है, जब जोड़ेंगे तो लंबाई हो गई दो, चौड़ाई एक ही रही और ऊंचाई भी एक ही रही। बिल्कुल बात क्लियर। यदि आप चौड़ाई में जोड़ेंगे तो लंबाई एक रही, चौड़ाई कितनी हो गई दो और ऊंचाई हो गई एक। यदि हम ऊंचाई में जोड़ेंगे तो लंबाई एक, चौड़ाई एक और ऊंचाई कितनी हुई दो। इसका मतलब कभी भी दो समान घनों को आपस में जोड़ा जाए तो कोई सी भी एक भुजा दूनी हो जाती है। लेकिन अब इसी बात सुनिए, यदि कोई घन है, इसको दो समान आयतनों में काटा जाए, ऐसे लंबाई है, आपने बीच में से ऐसे काट दिया, तो सोचिए इतनी लंबाई हो गई, आधी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई ज्यों की त्यों और ऊंचाई भी ज्यों की त्यों। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी घन को दो बराबर आयतन वाले घनाभों में काट दिया जाए, जब काटा जाएगा तो कोई एक भुजा आधी होगी तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ। तो क्या होता है, जब किसी भी घन को दो बराबर आयतन में काटा जाएगा तो कोई सी भी एक भुजा आधी हो जाएगी। मतलब जब जोड़ा जाएगा तो दूनी और काटा जाएगा तो कोई सी भी एक भुजा आधी। अब क्वेश्चन सुनिए, किसी घन की दो बराबर आयतन वाले घनों में काटा गया, मतलब किसी घन को दो बराबर आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है। घन तथा घनाभ के पृष्ठों में अनुपात ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, हमने मान लिया, अब आपकी इच्छा मानने की कि आप भुजा कितनी मानना चाह रहे हो। आपने घन की भुजा मान ली दो, आपने क्यों दो ही क्यों मानी, मैं चार मान लू, आपने क्यों मैं छह मान लू, आपने तीन क्यों नहीं बोल रहे आप। जब मैं तीन मानूंगा तो जब उसको आधा करूंगा तो डेढ़ हो जाएगा, फिर आपको गुणा करने में तकलीफ होगी, इसलिए अब मैं इसकी यदि आधी करूंगा, जब दो बराबर आयतन में बटेगा तो लंबाई मान लो एक हो गई, चौड़ाई तो दो ही रहेगी और ऊंचाई भी दो रहेगी। ये घन था और ये क्या हो गया, घनाभ, एक भुजा आधी हो गई, तो मतलब पूर्णांक में आ गई। मतलब ये अब कहता हूं उनके पृष्ठों में, उनके पृष्ठ घन का पृष्ठ बटे घनाभ का पृष्ठ, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आपने क्यों, इसका पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर और इसका होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दो से तीन बार कट गया तीन, अब भुजा कितनी मानी है इसकी दो, दो का वर्ग एल बी। अब जो कितना आसान गुणा करना है, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार और दो एक कम दो, चार तियां बारह बटे चार दो छह दो आठ, चार तियां बारह चार दूनी आठ, कितना अनुपात आ गया 3:2, आंसर सी। यदि आप यही तीन मान लेते तो इसको लिखते 3/2, इसे दो दो लिखते, फिर गुणा करने में सोचते रहते। यदि x मान लेता तो इसे मानते आप एक्स बाई टू, इसे x और इसे x, अब x x फालतू का x x क्यों करें, हम तो सीधे अंक मान लिया करेंगे, अंकों से हमारा काम खत्म। अगला देखें आप, यहां पर किसी बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, किसी बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर है उसके वक्र पृष्ठ के 2 पाई आर एच,
पाई से पाई कटा, आर से आर और एच से एच, कितना आ गया आर बराबर दो। अब आपको क्या करना है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। भैया बेलन का आधार होता कैसे, बेलन का नीचे आधार वृत्ताकार होता है, आपको समझाया गया है। और किसी भी व्रत का, कैसा भी व्रत हो दुनिया का, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, चाहे वो अंतव्रत हो, चाहे वो परिव्रत हो, चाहे वो कैसा भी व्रत हो, उसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का स्क्वायर 4 पाई, तो इसका भी आंसर कितना है सी। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में क्या है, गोला जिसके आधार की त्रिज्या आर है, में से गोले में से अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है, निम्न में से कौन सा घन और गोले के आयतन का अनुपात है। इसको समझने से पहले आप दो अक्ष पर, ये तीन अक्ष की बात चल रही है, हमने एक व्रत लिया, इस व्रत की त्रिज्या आर है, इसमें से हमने वर्ग काटा, बड़े से बड़ा वर्ग, तो घन की जो विकर्ण होगा, ये घन का विकर्ण कितना आएगा, ये एक्स रूट टू ही तो आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग। अब ये किसके बराबर होगा, इसके व्यास के। तो क्या नियम आया, नोट इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं बन, यदि किसी व्रत से बड़े से बड़ा वर्ग काटा जाए तो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है घन के ओ व्रत के व्यास के। वर्ग का विकर्ण भुजा रूट दो, यदि इसकी त्रिज्या r है तो व्यास होगा 2r, तो भुजा कितनी आएगी, रूट टू से रूट दो रूट टू बार कट जाएगा, ये आ गया। ये कब है, जब दो अक्षीय आकृति है, व्रत से वर्ग काट रहा है, तो भुजा किसके बराबर होती है, रूट टू आर के बराबर होती है। लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण व्रत के व्यास के बराबर होता है। इसी प्रकार जब जब किसी व्रत से नहीं, ये तो व्रत से तो वर्ग कटा, यदि किसी गोले से, क्योंकि गोला होता है तीन अक्षीय आकृति, बिल्कुल उसी इसी प्रकार बनाया, ये गोला गोले से अब कटेगा, गोला इसको समझा जा रहा है ये है व्रत, लेकिन गोला तीन अक्षीय आकृति थी, इसमें वर्ती नहीं दिखा सकता, तरबूज समझ लें आप, उसमें से एक घन काटा जाए बड़े से बड़ा, तो घन कैसे कटेगा देखिएगा, इसी प्रकार ये इससे मिलेगा, ये नहीं चला इससे मिल जाएगा। यदि ये भुजा x है तो क्या आएगा, यहां पर क्या भाषा लग जाएगी, यदि किसी गोले से, ध्यान से, गोले से अब गोला गया से बड़े से बड़ा वर्ग नहीं कटेगा, बड़े से बड़ा घन काटा जाए तो घन का विकर्ण किसके होता है, गोले के व्यास के। और घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट तीन और गोले का व्यास, तब क्या आएगा, तब भुजा कितनी आती है, 2r/√3। अभी इस पर और चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, मतलब जब वर्ग कट रहा था तो भुजा आ रही थी √2r, और जब गोले से घन कट रहा है तो भुजा कितनी आ रही है, 2r/√3। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कह क्या रहा था, हमें यही क्वेश्चन है कि यदि गोले से जिसकी त्रिज्या आर है अधिकतम आयतन का घन काटा जाए तो निम्न में से कौन सा घन और गोले के आयतन में अनुपात। अब किस किस के आयतन में अनुपात, घन और गोले, घन क्यूब और गोला स्फीयर, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब
और अब घन की भुजा कितनी आ गई, होती है एक्स क्यूब बटे चार बटे तीन पाई आर क्यूब, घन की भुजा दी एक्स है तो एक्स का मान कितना आ गया टू आर बटे रूट तीन का होल क्यूब बटे चार बटे तीन पाई आर क्यूब। जरा ध्यान से देखिएगा वी सी बटे वी एस कितना आ गया आठ आर क्यूब बटे तीन रूट तीन, और ये कितना आ गया चार बटे तीन पाई आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तीन से तीन कट गया, चार से दो बार कट गया, कितना आ गया दो बटे दूसरी तीसरी नीचे रूट थ्री पाई, दो अनुपात रूट थ्री पाई पहला आंसर। अब इसी बात को आगे समझिएगा, ये तो गोले में से घन काटा गया, वृत्त में से वर्ग काटा गया, अब उल्टी बात आ जाए, यदि किसी घन से बड़े से बड़ा, यदि किसी घन से बड़ा गोला काटा जाए, अभी क्या है गोले से घन काटा जाए, अब घन से गोला काटा जाए, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में आपको समझाता हूं। इसमें पहला पॉइंट नोट करने वाली बात है, यदि पहले दो अक्ष ले रहा हूं, किसी वर्ग से बड़े से बड़ा वृत्त काटा जाए तो क्या होगा, जब देखिएगा ये वर्ग है, इससे वृत्त बड़े से बड़ा कटना है, तो इस वृत्त का व्यास जो होगा, ये थ्योरी बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, इसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा, मतलब वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर। दोनों बातों खूब अच्छी तरह घर पर खूब अच्छी तरह देखने का विचार करिएगा। और यदि किसी घन से, कोई घन है, ये रहा घन, अब इससे गोला काटा है बड़े से बड़ा, बिल्कुल इस पॉइंट से आपको याद रहेगा, जब यहां पर वृत्त का व्यास किसके बराबर है, घन की भुजा के बराबर, नंबर एक। नंबर दो, यदि किसी घन से बड़ा गोला काटा जाए, बड़े से बड़ा गोला काट दिया, ये काटा, ये ऊपर वाला सिरा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये ऐसे छुलता हो जाएगा सभी दीवारों को, आपको लग रहा है इसे इसके अंदर घुस गया है, घुसा नहीं है, इसको छू रहा है, तो क्या होगा, सभी दीवारों को छुएगा, तो इस गोले का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर, गोले का व्यास ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बराबर घन की भुजा। तो मैंने चार पॉइंट लिखे हैं, इन चारों पॉइंटों को आप ध्यान से करिएगा। अगली बात आती है, अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है पिघलाकर आयताकार ठोस आकृति जिसका आधार वर्ग है बनाया जाता है, वर्ग की भुजा यह है, तो निम्न में से कौन सी आयताकार ठोस की ऊंचाई। बात को कभी समझिए, यदि इस फोन को पिघलाकर और डस्टर बनाया जाए तो इसका आयतन बराबर है इसका आयतन, यदि इस डस्टर को पिघलाकर ये मार्कर बनाया जाए तो इसका आयतन, यदि एक ही बन रहा है तो दोनों के आयतन बराबर, लेकिन यह कहा जाए कि इसको पिघलाकर, इसकी भी बीमा दे रखी हो, कितने मार्कर बनेंगे, इससे बन रहे मार्कर बन रहे, जिससे बन रहे उसके आयतन में जो चीज बन रही है उसके आयतन का भाग कर दो, संख्या आ जाएगी, और यदि एक ही बन रही है तो आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। आप सोचे एक गिलास में दूध है और एक बाल्टी में डाल दिया गया, गिलास का दूध ही तो बाल्टी में आ रहा है, गिलास में जितना होगा उतना ही बाल्टी में, गिलास का आयतन बराबर बाल्टी में दूध का आयतन, बिल्कुल बात क्लियर है। तो इसी प्रकार यहां ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, घन का आयतन बराबर किसका, आयताकार ठोस का आयतन, घन का आयतन
आयतन बराबर आयताकार ठोस का आयतन। घन का आयतन भुजा कितनी? छह, तो छह का क्यूब। आयताकार ठोस मतलब अर्थात घनाभ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई कैसी है? वर्ग है, तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर है। कितनी भुजा है? तीन। ऊंचाई कुछ होगी। अब ये देखिएगा, इसका मतलब क्या है? एच निकालना है। छह गुणा छह गुणा छह बटे तीन गुणा तीन, तीन दुनी छह, तीन दुनी छह, छह दुनी बारह दुनी चौबीस सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई है? चौबीस सेंटीमीटर। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr h + r, शायद आप जानते हो 1540। बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की चार गुनी है। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की ये चार गुनी है, तो h बराबर कितना है? 4r। अरे ये चार गुना था, जब इसको चार गुना करूंगा तभी तो बराबर होगा। तो कहता है निम्न में से कौन सा बेलन का आयतन है? यदि मैं h का मान या 4r लगा दूं, दो गुणा इसे 22/7, आर एच का मान 4r + r 1540, 22 × 7 = 154 होता है, 70 हो गया। अब यहां कितना चाहिए? 2r × 5r / 7 बराबर 70। चाहे देखना, 5 × 2 = 10, 0 कट गया। कितनी बार 7 का गुणा? 49। यहां आर स्क्वायर है तो r का मान कितना आ गया? 7। जब r का मान 7 है तो h का मान कितना आएगा? 7 × 4 = 28। जब 28 आ गया तो आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। 22/7 × r की वैल्यू कितनी है? 7 × 7 × h की वैल्यू कितनी है? 28। 7 से 7 घटाओ। आप आराम से गुणा करें, पहले 22 × 8 = 176, 22 × 44 और 17 = 61 और 7 का गुणा है 7 × 42 का 2 = 4 हासिल, 7 × 7 = 4 = 11 हासिल, 7 × 42 = 43, 4312 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन देखें, अगला थोड़ा अंकों का नहीं है, वैसे ही है। देखो आप, कहता है वी आर तथा एच किसी बेलन का क्रम से आयतन है। वी आयतन है, आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई कैपिटल एच दे रखी है। तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ एस है, तो संबंध ज्ञात हुआ। एस और किसमें ज्ञात करना है? इसमें आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है? 4/3 πr² एच। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? एस बराबर 2πr h। एच के लिए कैपिटल एच है। यदि मैं भाग कर दूं तो क्या हो रहा है? एच से एच कटा, 1r से 1r कटा, पाई से पाई कटा, 2 × 2 = 4। v/s बराबर कितना बचा? 2 ये बचा हुआ है, r ये बचा हुआ, 2r/ कितना बच रहा है? 3। और कैंची गुणा कर लूं तो कितना हो जाएगा? v बराबर, कहीं हो ऐसा, देखो आप कोई ऐसा आंसर आ रहा हो, 2r h में भी आ रहा है, अरे भाई इसमें h में भी आ रहा है, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने ध्यान नहीं दिया है। एस एच एच में है, एच है इसमें भी, एच है, एस आर बटे 2 लिखा है, पर एस आर और एच में भी है। अच्छा तो देखिए भाई, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बी बराबर कितना था? दोबारा लिख दे रहे हैं, यहां जगह नहीं दिख रही, 4/3 πr² h, और s बराबर कितना था? 2πr h। h के लिए यहां से h का मान कितना आ गया, जरा गौर करिएगा, h का मान कितना आएगा? h बराबर 2πs कैसे आ गया? h बराबर s/2πr। यदि h का मान यहां लगा दूं, v बराबर 4/3 ये क्या है ये? अरे भाई सब कुछ गलत इसलिए हो रहा है कि ये बेलन है, गोला नहीं है। यहां पे भी आया था
गोले का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, चार बटे तीन नहीं आता, चार बटे तीन तो मैं गोले का लगा रहा हूं, जबकि है किसका, ये बेलन का, तो बेलन का लगाइए ना, ये गलती होगी। आर से आर कटा, ये दो बचा हुआ है, पाई से पाई कटा, इससे ये कटा, आ गया कितना, आ गया आर बचा ऊपर और नीचे बचा दो। मेरे को यही लग रहा है, आ क्यों नहीं रहा, बी बराबर एस आर बटे दो, कहीं है बी बराबर एस आर बटे दो, और यहां पर भी बी होना चाहिए था, ऑप्शन लिखते समय गलती हुई है, ये बी बराबर एस आर बटे दो, तो ये आंसर आ गया। गलती क्या हो रही थी, हम देख लो दोबारा, यहां पर हम गोले का आयतन लगा देने, जबकि है क्या बेलन, यदि हम ये लगा देते, ये अब ये और ये है, अब तो सीधे सीधे भाग हो सकता है, भाग करो v बटे s, दोबारा लिख रहा हूं, पाई r स्क्वायर h बटे टू पाई r h, हो अच्छे से देख लें, चेक कर लें, r से ये r कटा, h से h कटा, दो से दो, r बटे दो बच रहा है, कैंची गुणा कर ले, v बराबर एस आर बटे दो, बिल्कुल चेक, बिल्कुल यही है, यहां v छूट गया था लिखते समय, सही है, ओके। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां, किसी घनाभ के तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रम से एक्स वाई जेड है, आयतन वी है, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, तीन संलग्न फलक हैं क्या, इस घनाभ को देखिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये लिया, जो तीनों आपस में जुड़े हुए हो, जिससे एक कोना तैयार हो रहा हो, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, देखना ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो क्षेत्रफल कितना होगा, यदि इसका क्षेत्रफल निकालूं तो ये L और ये H, लिटाल दूंगा तो B दिखाई देगा। आप सोचें यदि ये कोई कागज है ऐसे, अब ये घर वाली फलक यही तो थी दीवार की, L और ये H यदि लिटाल दूं तो L B का काम कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल एच, नीचे वाले क्या होगा एल बी, और इस साइड वाले क्या होगा B इंटू एच। आप अपने कमरे की दीवारों को देखो, जब सामने वाली दीवार का यदि क्षेत्रफल आप देख रहे होगे, तो यदि ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी तो क्षेत्रफल होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जब लंबाई ये काम कर रही होगी और ये ऊंचाई तो L इंटू एच, और जब नीचे वाला होगा L और ये B तो नीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा एल बी। तो तीन संलग्न फलकों के क्षेत्रफल में क्या आता है, पहला हमने ले लिया एल बी है, एक्स है एक फलक, दूसरा फलक डी एच है, और तीसरा एच एल है, तीनों का गुणा कर दिया एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, एल बी एच का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड, और एल बी एच का मान कितना है, एल बी एच का मान है वी, तो एक्स वाई जेड किसके बराबर है वी स्क्वायर की, किसके वी स्क्वायर के, आंसर ही आ गया। इसीलिए याद रखना चाहिए यदि बी बराबर निकालूं तो क्या जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड, ये भी दे देता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखें कभी भी तीन संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दे रखे हो और आपको आयतन निकालने के लिए कह दे तो तीनों फलकों का गुणनफल करो क्षेत्रफल का, उसका अंडर रूट लो, वो किसके बराबर होता है आयतन के बराबर होता है। देखिएगा आठवां क्वेश्चन क्या है, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। देखिएगा ये कुआं है, ये 14 मीटर गहरा है, ये 14 मीटर खोदा गया और 20 मीटर व्यास है, तो 10 इसकी त्रिज्या हो गई 20 मीटर व्यास। अब क्या कहता है, और इसके निकली मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा, इसके ऊपर चबूतरा बनता है, चबूतरा जिसमें खड़े होते हैं वो चबूतरा, लेकिन वो कहां बनता है, जहां समतल जगह होती है भूमि से ऊपर, और जब भूमि से ऊपर बनता है तो ये बना चबूतरा, किनारे किनारे गोलाई में बना, तो ये तो अपने आप ऊपर खाली दिखाई देगा, यहां से मिट्टी नहीं निकली है, मिट्टी तो यहां से निकली है, जब किनारे किनारे गोलाई में बनाया जाएगा तो ये अपने आप खोखला दिखाई देगा, और किनारे किनारे क्या बनेगा खोखला बेलन, बीच में खोखला होगा ना तो बेलन, तो कहता है ये कितनी ऊंचाई का चबूतरा बनेगा, ये है, ये ऊंचाई कितनी होगी, आप सोचें इससे निकली हुई मिट्टी इस चबूतरे में लगी है,
तो चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन बराबर, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन। इसमें ऐसे कुछ नहीं कहा कि मिट्टी बढ़ गई खोदने का, ऐसा कुछ ना कुछ नहीं कहा। तो चबूतरे का आयतन, का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, आयतन। एक बात और, पूरा चबूतरा बना दिया था, इस चबूतरे की ऊंचाई पूछी है, इसमें एक चीज लिखना रह गया, 5 मीटर उसके चारों ओर, 5 मीटर चौड़ाई का, मतलब कितनी चौड़ाई का बनाया है, 5 मीटर चौड़ाई का भाई, चारों ओर वो 5 मीटर है जो ऊपर से चौड़ा सा होगा, जैसे कोई गिलास होता है, कोई ढक्कन होता है, जब उसमें चौड़ाई नहीं होती, ऊपर ऐसा बनेगा, सबसे फ्रंट पे ऊपर ऊपर ऐसा, ये और ये ऐसे होगा, ये कुआं है जो ऊपर तक खोखला दिखाई दे रहा है, और ये मिट्टी इसमें भरी हुई होगी, ऊपर ऐसा होगा, ये 5 मीटर चौड़ा है और अंदर की त्रिज्या कितनी है, 10। तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो गई, बाहर वाली त्रिज्या हो गई 10 ये और 5 ये, बाहर वाली त्रिज्या हो गई 15, और भीतर वाली कितनी है, 10। तो देखिएगा चबूतरे का आयतन क्या होगा, चबूतरे का आयतन होगा बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन बराबर, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन बराबर पाई कुएं से निकली मिट्टी, त्रिज्या कितनी है 10, 10 का स्क्वायर इंटू बेलन ही तो बन रहे हैं, और इंटू ऊंचाई कितनी है 14, इन दोनों पाई एच कॉमन, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई इंटू 100 इंटू 14, पाई की वैल्यू 22/7, एच निकालना है, R1 कितना है 15 का स्क्वायर, पूरा 15 10 का स्क्वायर 1400 पाई, अरे पाई इधर भी तो था, ये पाई से ही पाई कट गया, एच निकालना है 15 का वर्ग 225 में 100 गए 125, 1400 एच बराबर 1400/125, 25 पंजे 125, बचे कितने 125, 15 25 6 150, एच बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, किसमें मीटर, तो कितना आ गया 11.2 मीटर, कितना गहरा कितना ऊंचा बना इसका 11.2 मीटर ऊंचा। तो देखिए क्या निकला, निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में लगी, और चबूतरा कैसा है, जब बीच में से खोखला होगा, जैसे ये ढक्कन है, ये ढक्कन बीच में से खोखला है, देखो आप खोखला है, तो इसका आयतन लगी प्लास्टिक का कितना होगा, बाहर वाले आयतन में से अंदर जो खाली है उसका आयतन घटाते हैं, वही प्रोसेस लगाया है। 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर की मोटाई के सिक्के, सिक्के कैसे होते हैं, सिक्के आप कभी गौर कर लीजिएगा, ये सिक्के मैं अभी बात करता हूं, देखिए सिक्के हैं ये, यदि सिक्कों को देखें आप, एक के ऊपर एक सजा लिए जाएं, तो ये बेलन से बन जाते हैं, यदि आपने देखे होंगे ये एक के ऊपर एक, अब मोटाई कम है तब भी आप इसे व्रत वगैरह मत बोलना, ये बेलन ही है, बस इसकी एक ऊंचाई अर्थात इसकी मोटाई बहुत कम है, और जब इन्हीं को एक के ऊपर एक खूब सारे सजा दो तो ये क्या बन जाता है, बेलन। तो सिक्के कैसे होते हैं, हमेशा बेलनाकार, तो ये सिक्के हैं कि संख्या जिनको पिघलाकर इतने सेंटीमीटर का घनाभ बनाना है, किससे बनाना है, सिक्कों से, और क्या बनना है, घनाभ, जो बनना है, मान लिया मुझे नहीं पता कितने लेंगे, यदि आप संख्या निकालोगे तो क्या करोगे, जो चीज बन रही है उसके आयतन में 11 × 10 × क्योंकि ये घनाभ है, इसके आयतन में इस सिक्के के आयतन का भाग कर दो, सिक्के का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये व्यास है तो आर हो जाएगा 1.75/2 × 1.75/2 × एच कितना है, 2 मिलीमीटर ऊंचाई है तो 2/10
ग्यारह दूनी 22, ये पॉइंट और ये पॉइंट 100 × 100, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो से पांच बार, 2 से 50 बार और 25 × 7 = 175 और 25 × 4 = 100, इस 7 से 7 कट गया। अभी देखिए और 25 × 7 = 175 और 25 × 50, इस 7 से 7 कट गया, क्या बच रहा है उसे अच्छी तरह देख लिए, 5 × 2 × 4 और ये 2 × 2 × 10 ऊपर जाएगा, 2 × 2 × 10, 5 × 10 = 40 × 80 × 160, दहाई 1600, कितने सिक्के चाहिए आपको, 1600 सिक्के। ध्यान रखिएगा, आपको कोई चीज बनानी हो, मैंने कहा इतना बड़ा डस्टर बनाना है, कितने मार्कर पिघलाऊंगे इतना बड़ा डस्टर बन जाए, तो इस डस्टर के आयतन में इस बेलन के आयतन का भाग कर दूं, संख्या आ जाएगी। अब घनाप के आयतन में घनाप का आयतन और बेलन में बेलन, यदि गोले का ही आए कितने गोले पिघलाए जाएंगे, तो जो चीज बनानी है उसके आयतन में गोले के आयतन का, एक गोले के आयतन का भाग कर दूं तो गोलों की संख्या आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि पानी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पाइप से 1 घंटे में कितना पानी बहेगा, 1 घंटे में कभी भी किसी भी पाइप से पानी बह रहा हो, पाइप से क्या, नाले से बह रहा हो, नदी से बह रहा हो, और आपको निकालना हो कितना आयतन बह गया, तो याद रखिएगा उसके मुंह का क्षेत्रफल जिससे पानी गिर रहा है, उसके मुंह का क्षेत्रफल गुणा चाल उसका आयतन होगा। यदि चाल घंटे में होगी तो घंटे में आयतन आ जाएगा, यदि आप सेकंड में बदलोगे तो सेकंड में। तो देखिएगा किससे आ रहा है, यदि पानी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, जैसे 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या कही उसके मुंह की, तो समझ में आ गया कि मुंह पर वृत्त बना हुआ है, तो मुंह का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई 1 घंटे में पानी का आयतन बराबर मुंह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणा चाल, मेरी तरह आपको लिखना नहीं है, मुंह का क्षेत्रफल गुणा चाल। अब मात्रकों पे ध्यान रखना है, अब मुंह का क्षेत्रफल आंसर सारे मीटर में दे रखे, मीटर क्यूब, तो इसका मतलब भुजाएं हमारी मीटर में ही होनी चाहिए, तो मुंह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू चाल, पाई के लिए 22/7, त्रिज्या कितनी है 1.5, त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर बदलनी है, तो 1.5 × 100 × 1.5 × 100 ×, अब बात आती है चाल की, चाल दे रखी है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आप जरा गौर करें, आपको 1 घंटे में ही पूछा है उसने, 1 घंटे में आयतन, तो घंटे को तो बदलना नहीं है, बदलना किसको है, हमें किलोमीटर को, किसमें, मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, मीटर बटे घंटा, तो चाल कितनी लगेगी, 3 का 1000 में गुणा करें 3000, अभी कितनी देर में आयतन आएगा, 1 घंटे में आ गया। अब देखिएगा ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा लो आप आराम से, अब काटा पीटी, 1 2 3 1 2 3, अब जरा ध्यान दें आप, कुछ और कटे तो काटें, 5 × 3 = 15, 3 जीरो कट चुके हैं, 5 × 2 = 10, 2 से 11, यस यहां तक खत्म कर दिया, फिर और काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 = 0, अब तो नहीं कट रहा कुछ, 11 × 3 = 33, 3 × 99, 99 × 3 = 297 बटे 7 × 14 = 140। अभी हमें देखिएगा आप सॉल्व कर रहे हैं, हम जरा ध्यान से देखते हैं, ये कुछ कट रहा हो तो काट लें, 3 से भी नहीं कट रहा, ये कट पाई में ही आंसर दे रखा है, देखिएगा हमने यही बात है, ऑप्शन ध्यान रखना चाहिए, किसमें दे रखा है, पाई में, तो कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, आप बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे, आप पाई का मान मत लगाना,
अब मैं पाई में बदल लाऊं, पाई का मैंने ऊपर गुणा करा तो पाई का तो नीचे करूंगा, नीचे करूंगा तो 22/7 लगा दूंगा। ये फालतू का काम हो रहा है। काम यदि आप यहां पाई नहीं लगाते तो बड़ी आसानी से कट गया होता। अब देख लो, अब चेक कर लो, 11 × 2 = 22 और 11 × 2 = 22 बचे 7, 11 × 7 = 77, 11 × 2 = 22, 7 × 2 = 14, 20 बार, अब तो नहीं कट रहा, कितना आ गया 27/40 pi, 27/40 pi मीटर की। तो जब आप सॉल्व करना तो आप ये पाई का मान मत लगाना, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा लाइन पर। मैंने यहां पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो उसके ऑप्शन पर ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन किस रूप में दे रखा है। देखिएगा 11वां क्वेश्चन, फिर जो पिछला करा था उसी तरीके का। एक लंबवती बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई देखिए बेलनाकार है, 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटे से दर से पानी आ रहा है। कहता है खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, इसका मतलब घंटे में आंसर है तो मुझे इसे घंटे में ही रखना है, बाकी देख लूं किस में ज्यादा है, मीटर में, ये भी मीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अब टंकी भर रहे हैं, ये टंकी है बेलनाकार, इसमें ये नल है, ये नल है, अब इससे पानी गिर रहा है, कितनी देर में भर जाएगा? अरे भैया खुद सोचो, यदि टंकी 100 लीटर की है, 1 घंटे 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा है तो कितनी देर में भर जाएगी? 100 मिनट में। तो हम क्या करें, उस टंकी के आयतन में 1 मिनट में आए पानी के आयतन का भाग करेंगे तो मिनट में आंसर आएगा, यदि हम घंटे में आए पानी के आयतन का भाग करेंगे तो घंटे में, चूंकि हमें घंटे में चाहिए आंसर तो हम घंटे में आए पानी के आयतन का भाग करेंगे। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर टंकी का आयतन, आयतन बटे 1 घंटे में आए पानी का आयतन, आए पानी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी बेलनाकार है तो पाई, पाई आर स्क्वायर, इसका आर, आर कितना है? 2 × h कितना है? 4.5 बटे, मैंने कहा था जिस नल से पानी आ रहा उसके मुंह का क्षेत्रफल, और मुंह कैसा दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर व्यास का दे रखा है, तो इसका मतलब वृत्ताकार मुंह है, तो पाई वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6, लेकिन वो सेंटीमीटर में, ये सब मीटर में था, तो 6/100 × 6/100, 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हुई 6, तो ये मुंह का क्षेत्रफल हो गया, और 6 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदला है, 6/100 × 6/100, मैंने मुंह का क्षेत्रफल गुणा चाल बोला था, चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे में ही चाहिए हमें, 1 घंटे में, घंटे को तो कुछ करेंगे नहीं, हमें इसको किस में बदलना है? मीटर में, तो कितना आएगा? 1 × 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, घंटा ज्यों का त्यों। अब क्या हुआ, पाई से पाई कटा, 1, 2, 3 0 से 1, 2, 3 0 कट गई, ये 10 ऊपर जाएगा, 2 × 2 × 10 जब ऊपर जाएगा तो 45/6 × 6, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 45, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 2 कट गया, 3 आवर। कितनी देर लगेगी भरने में? कहाँ गया, गलत काट दिया कहीं, 2 × 2 सही है, × 4.5 था बिल्कुल सही है, बटे पाई आर स्क्वायर 6/100 × 6/100 सही है, × ये आ गया। अब देखो मैंने क्या लिखा, ये 10 ऊपर जाएगा, पक्की बात है ऊपर जाएगा, तो 45 हो गया, 2 × 2 बिल्कुल सही है, और नीचे 6 × 6 बिल्कुल सही है, 2 × 6 = 2, 3 × 6 और 9 × 5 = 45 आएगा, ये गलत काट गया हूं, देखो दोबारा मैं काटता हूं, 2 × 3 = 6 इसे मत काटो, कुछ भी मत करो अभी, इसे 45 रहने दो, 2 × 3 = 2 × 3 और 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 5 घंटे। देखिए 12वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 है, यदि व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, क्लियर बात, पानी से पानी बाहर पंप किया जाता है, यदि पानी का बहाव
उसका जो चाल है 72 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो एक घंटे में कितना पानी बाहर आएगा लीटर बताओ। आपसे कहा था आयतन निकालने के लिए, मुंह का क्षेत्रफल, मुंह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 7/2, अरे वृत्ताकार है तो मुंह का क्षेत्रफल ये हो गया, इंटू चाल कितनी है 72 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 72, ये कितनी देर में आ रहा है, 1 सेकंड में। आपको कितनी देर में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, जरा ध्यान दीजिए, 22/7 × 7/2 × 7/2 × 72, ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड यदि 60 का गुणा कर दूं तो 1 मिनट में हो गया, और यदि फिर 60 का गुणा कर दूं तो 1 घंटे में हो गया, 1 घंटे में आयतन, घंटे में आयतन, और ये कितनी देर में था, 1 सेकंड में। आपको मालूम है जब सेकंड को घंटे में बदलते हैं तो 3600 का गुणा करते हैं, 6×3600 हो गया, 7 से 7 घटा और 2×2 = 4, 4×1 = 4, 4×8 = 32, 22 × 7 × 18 × 60 × 60 ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किस में बदलना है हमें, लीटर में, लीटर में, और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो इसमें 1000 का भाग कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, लीटर में। तो देखिए 22 × 7 × 18 × 60 × 60 / 1000, ये हो गया लीटर, 1010101010। और जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, गुणा करिए 6×36 22×7×18×36/10, इसलिए भाग नहीं कर रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, क्योंकि 10 से पॉइंट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप अब देखें 22×7 × 18×108 और 10 हासिल, 18×3=10 64/10, फिर 22 से गुणा करो, 22×8=176 और 22×4=88, बहुत ध्यान से, 8×7=15 = 5, 1 हासिल, 8×9=10 5 आ गया, 10 हासिल, 22×132 और 10 142×7/10, फिर 10 का गुणा कर 7×7=42, 4 हासिल, 7×5=35 और 4×39=3 हासिल, 7×14 = 3, 17×7=1 हासिल, 7×28=1, 29×9=2 हासिल, 7×7=2, 9/10। और जब 10 का भाग करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 99.2 लीटर। तो कौन सा आंसर आ गया, 99 कहाँ है, 72 है। दोबारा देखें आप, 7×42=2, 4 हासिल, 7×5=39, ऑप्शन देख लीजिए आपने, जो मुझे ऑप्शन दिए 99.72 आप गुणा करके देख लेंगे, और मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। हाँ, तो देखिएगा, हमने बिल्कुल फिट कराया, बिल्कुल सही है, उसमें पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है वहां पर 79 होना चाहिए, ये सुधार, 79 बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल सही। हाँ, तो देखिएगा, ये प्रॉब्लम जो आप लोगों ने आप भेजी थी वो मैंने सॉर्ट आउट करी है। अभी इसमें एक बच्चे और चाह रहे हैं कुछ और प्रॉब्लम, वो भेज दें, जितनी भेजेंगे उतनी मैं करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन है, हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, मतलब कैसे, अब यदि ये क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।